एलजी मनोज सिन्हा के एक बड़े स्टेटमेंट के बाद में, जिसने उन्होंने तमाम तौर पर ये कह दिया कि घर बैठे जो है ये सैलरी एंजॉय नहीं कर सकते, उसके बाद में कल बीजेपी कार्यालय के बाहर रिजर्व कैटेगरी के जितने भी इम्प्लॉयज थे वो यहाँ पे एकत्रित हुए थे, लेकिन आज पीएम पैकेज के तहत लगे तमाम कश्मीरी पंडित इम्प्लॉय यहाँ पर है। और आपको बता दें कि साफ तौर पर रविंदर राणा, कविंदर गुप्ता और साथ साथ में अरुण प्रभात ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं उनसे ऐसा साबित होता है कि वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान से खुश नहीं है। और रविंदर राणा ने ये तक कह दिया कि यहाँ पर कितनी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कहा गया कि आप अपने राजभवन के दरवाजे तमाम कश्मीरी पंडित इम्प्लॉयज के लिए खोले, लेकिन आज तक जो है वो विफल रहे और आज तक उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन उनकी बात जो है अब दिल्ली तक पहुंची है। कल दिल्ली से तरुण चुग के साथ साथ एक और भी लीडर यहाँ पर, भाजपा के लीडर यहाँ पर आएंगे, और जिससे तमाम कश्मीरी पंडित, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हो और चाहे कश्मीरी पंडित इंप्लॉयज है, उनके डेलीगेशन उनसे मिलेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो एक बहुत बड़ा बयान था कि ये घर पर बैठे अपनी सैलरी एंजॉय नहीं कर सकते, उसके बाद तमाम जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो तो गरमाई है, उसके बाद क्या कुछ कहना है बीजेपी के तमाम इन लीडर्स का वो भी आपको बताते हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतना बड़ा बयान देने से पहले क्या पल भर के लिए भी सोचा था कि इस बयान के बाद इन तमाम इंप्लॉयज के दिल पर क्या बीतेगी? क्या वो सैलरी एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं या अपनी अपनी जानों की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर बैठे? तो चलिए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस स्टेटमेंट के बाद, और साफ तौर पर ये जाहिर हो गया कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान से खुश नहीं है, और वो खुद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद जो है वो सोच विचार और विचार विमर्श में पड़ गए हैं। आखिर ऐसा बयान उनके लिए आया जिस टाइम चार्टर थ्रेट लेटर जो है वो जारी कर चुके हैं यहाँ पर, और चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था तमाम बीजेपी के लीडर। देखो गलती करा कोई और था रहना साहब, ऑर्डर कोई और करने तो गलती मेरी, केंद्र में कोई भी सरकार रही हो उन्होंने किसी की तनख्वाह नहीं रोकी थी। सबसे पहले लोगों का जीवन यापन, ये यहाँ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि आप वहां पर सुरक्षा दीजिए, तनख्वाह हम ले लेंगे, हमें लेनी आती है। इन लोगों ने कभी नहीं इनकार किया है कि ये वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात उस प्रकार से बनने चाहिए। हमने लगातार 30 साल अगर विस्थापन के दुख को झेला है तो ये चीजें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सरकार को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, हमारा मीडिया के सभी भाई यहाँ खड़े हैं, कि हालात देखिए, इनकी जान को जो खतरा है उससे आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। केवल कुछ लोगों की फीडबैक लेकर के इतना सख्त बयान देना ये ठीक बात नहीं है। इतना केवल सरकार से एक्सग्रेशिया लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें जरूरत है ना इस चीज की जरूरत पड़नी चाहिए। आप माहौल को साझकार करो, हम उसको करेंगे। ऐसे आपको भी तकलीफ हुई है इस बात को सुनकर? देखो गलती करा कोई और था रहना साहब, ऑर्डर कोई और करने तो गलती मेरी, दिखो तमाशा। पंडित लड़ा वहां एक योद्धा की तरह लड़ा, एक जंगी सैनिक की तरह लड़ा, यहां वो मैदान में लड़ा, वहां दुनिया के जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वहां के अंदर जाके कश्मीरी पंडित लड़ा। पूरे हिंदुस्तान को कश्मीरी पंडितों पर नाज है, फकर है पूरे हिंदुस्तान को। कहीं भी कोई चैनल में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई डिबेट में बैठता है उसको मुंह तोड़ जवाब अगर टेलीविजन डिबेट्स में भी कोई देता है तो कश्मीरी पंडित देता है। सारी दुनिया देखती है, दिल्ली के अंदर हो, मुंबई में हो, जहां हो, न्यूयॉर्क में हो, हमने वो दौर देखा। मैंने भी जब ये माननीय एलजी साहब से बात की और तफसीलन उन्होंने बात सुनी, जब रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर में आपसे मिलने के लिए आया, मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, मैंने कहा जनाब एक बार कोई 8-10 इनके प्रतिनिधि, इनमें से कोई 8-10 भाई बहन, उनको आप राजभवन बुलाकर एक बार उनकी पीड़ा तो समझो। वहां पर सबके लिए अकोमोडेशन नहीं है, और वहां जहां आप रहते थे वहां के कश्मीरी मुसलमान, जो हमारे भाई बहनों ने आपको अकोमोडेशन दी है, आज वो भी निशाने पर आ गए।
बहुत सारों ने मेरे से बात की कि जनाब अगर हम इनको यहां रखेंगे हम निशाने पर हैं, हम क्या करें। मैं अपने भाई बहनों के पास रिलीफ कमीशन ऑफिस में गया, सब ने कहा हम कश्मीर जाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा हम कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है। लेकिन उन्होंने कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के बैठे बैठे नहीं। जैसे राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया दफ्तर में, और मैंने भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील की, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, मुलाकात करते हैं, सुनते हैं लोगों की तकलीफ है, मैंने उनको कहा आप भी पुराने सियासी ख्यालात के हो, आप जानते हो पब्लिक के दुख दर्द शायद जो बाबू लोग हैं वो उतना गहराई से ना समझ पाते होंगे, लेकिन एक सियासी जो लीडर होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो भली भांति जनता की परेशानियों को समझता है। मैं आज फिर आज इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक बार एक कश्मीरी पंडित और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, एक बार इनको राजभवन में बुलाकर एक बार इनकी बात तो सुनो। जब आप इनकी बात सुनेंगे ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज है वो आपको पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं वो डिटेल उनको समझाने में विफल रहे हैं।